आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहाँ से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्त के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।